मई 2018 में थुडुकुडी में तमिलनाडु गवर्नमेंट पॉल्यूशन यानी एनवायरनमेंट सेफ्टी को रीजन मानते हुए एक स्टेलाइट कॉपर प्लांट को बंद कर देती है और ये स्टेलाइट कॉपर प्लांट होता है वेदांता ग्रुप का। इस स्टेलाइट कॉपर प्लांट की कैपेसिटी 400,000 टन कॉपर प्रोड्यूस करने की होती है और अब ये प्लांट मई 2018 से कॉन्टीन्यूसली बंद है। एनवायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रखकर इस कंपनी को बंद किया गया है, लेकिन इससे इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर मात्र एक लाइन में ये बात मैं कहूँ तो आप इसको ऐसे समझिए कि इंडिया पहले कॉपर का नेट एक्सपोर्टर था, अब सिर्फ इम्पोर्टर बनकर रह गया है और यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से कॉपर मार्केट स्नैच कर रहा है। तो आप खुद इससे अंदाजा लगाइए कि इशू कितना सीरियस है। और यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या एनवायरमेंटल सेफ्टी के नाम पर ये काम हुआ है या ये एक कॉन्स्पायरेसी है गवर्नमेंट के खिलाफ या हमारे देश की इकोनॉमी के खिलाफ। तो इसी इशू को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, साथ ही हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। हमारा UPI ID है kanpaeducation@ybl। पहले मैं आपको डाटा का खेल समझा देता हूँ। 2017-18 में जब ये फैक्ट्री प्रॉपर ऑपरेशनल थी तब हमारा रिफाइंड कॉपर का इंपोर्ट वो मात्र 44,245 टन था, बट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस फैक्ट्री हमारे रिफाइंड कॉपर इंपोर्ट जो है वो 92,290 टन हो गया है। आप देखिए ये इंपोर्ट डबल हुआ है। इसके अलावा जो हमारा एक्सपोर्ट है 378,000 टन था 2017-18 में, लेकिन 2018-19 में ये घटकर 47,917 टन ही रह गया है और इससे पाकिस्तान जो है मार्केट ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करके $2 बिलियन एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, यानी ये हमारा ओवरऑल घाटा $2 बिलियन का यहीं पर हो गया। लेकिन ये घाटा जो है यहीं तक सीमित नहीं है। कॉपर डिपेंडेंट जो दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं हमारे देश में, जैसे इलेक्ट्रिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सारा जो सेक्टर है वो बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि कॉपर का इम्पोर्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट में अब महंगा होता जा रहा है और हमारे यहाँ कॉपर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होने के बावजूद भी फैक्ट्री बंद करके इस इम्पोर्ट को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। वेदांता के इस स्टरलाइट प्लांट में 20,600 एम्प्लॉयज थे और यहाँ पर ये प्लांट एकदम से बंद हुआ तो 20,600 लोगों की नौकरी एकदम से चली गई। इसके अलावा वेदांता स्टरलाइट प्लांट 400 डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता था और यहाँ पर इन 400 डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में तकरीबन 1,00,000 लोग काम कर रहे थे। तो यहाँ पर इस प्लांट के बंद होने के बाद से ये जो 1,00,000 जॉब्स हैं उन पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ ये स्टरलाइट प्लांट जिप्सम भी प्रोड्यूस करता था और फॉस्फेरिक एसिड भी प्रोड्यूस करता था। फॉस्फेरिक एसिड जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिप्सम जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सीमेंट और फर्टिलाइजर सेक्टर पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस प्लांट के बंद होने के बाद। साथ ही साथ गवर्नमेंट को रिवेन्यू का लॉस हो रहा है और पूरी देश की इकोनॉमी को मेक इन इंडिया का लॉस हो रहा है, यानी आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है इस स्टरलाइट प्लांट के बंद होने से। और जब एक कंपनी इतना सारा प्रोडक्ट बना रही है तो यहाँ पर उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो लॉजिस्टिक से जॉब्स जनरेट होती है उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। यानी दोस्तों ओवरऑल ये इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो। लेकिन क्या एनवायरमेंटली भी हमें लॉस हो रहा था इस कंपनी के ओपन होने से, आइए इसको समझते हैं। काफ़ी सारे एम्प्लॉयज जो इस प्लांट में काम कर रहे थे वो आसपास की कॉलोनी से ही थे, लेकिन उन्होंने पिछले 20 सालों में इस प्लांट से पॉल्यूशन के इल इफेक्ट की कभी कोई कंप्लेंट नहीं की थी, बट कुछ कैंसर के केसेस सामने आए और यहाँ पर वेदांता के इस प्लांट को बंद कराने के लिए 2003 की स्टडी का सहारा लिया गया। 10-12 केसेस थे टोटल 7,00,000 पॉपुलेशन में, बट रिपोर्ट में ये कंफर्म नहीं किया गया था कि कंपनी किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के केसेस बढ़ने के। यहाँ पर रिपोर्ट क्लियर कट कहती कि इस तरीके का एलिमेंट जो है एयर में पाया जा रहा है या सॉयल में पाया जा रहा है जो इस कंपनी से बन कर निकल रहा है, तब ये कंफर्म किया जा सकता था कि ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला था।
और यहाँ पर ये बात खुद तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी माना है कोर्ट में। और इसीलिए दिसंबर 2018 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने खुद सारे फैक्ट्स को एनालाइज करते हुए ये डिक्लेयर किया कि वेदांता को रीओपन करना चाहिए। यहाँ पर वेदांता किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है इमिशन वायलेशन करने का। और यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से रेस्क्यू मिल गया था वेदांता को, बट बाद में तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है एनजीडी के ऑर्डर पर स्टे लगवा देती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या डिसीजन आता है। बट एक एविडेंस और है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 दिसंबर 2019 को ये रिपोर्ट अपने न्यूज़पेपर में छापी थी, क्वालिटी ऑफ एयर इन टूटिकोरिन रिमेंस सेम इवन आफ्टर स्टरलाइट क्लोजर, और ये आरटीआई के थ्रू सामने बात आई थी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो एविडेंस है वो काफी अलग कहानी कह रहा है। स्टरलाइट प्लांट के बंद होने के एक साल के बाद भी अगर क्वालिटी ऑफ एयर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो किस तरीके से हम यहाँ पर स्टरलाइट प्लांट को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। फिलहाल हो सकता है मेरे से कुछ बातें छूट गई हों, इसीलिए अगर आपके पास कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसको हम अपने अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे। साथ ही दोस्तों आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा यहाँ पर काम था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का, आई होप मैंने आपके लिए वो किया हो। तो अब ये है हमारे इस वीडियो का एंड, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ।